नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 19 अगस्त दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पीपीएससी शिक्षक बहाली परीक्षा में नहीं होगा नेगेटिव मार्किंग। बिहार इनोवेशन चैलेंज 2023 में भाग लेकर जीते आकर्षक पुरस्कार। बिहार में जातीय गणना पर सुनवाई अधूरी। सुशांत सिंह राजपूत के जीवन पर नहीं बननी चाहिए कोई फिल्म। चांद की और करीब पहुंचा चंद्रयान, इसरो ने जारी की तस्वीर और वीडियो। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड में 300 से ज्यादा पदों पर निकली भर्ती। कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड ने हाल ही में एक आधिकारिक अधिसूचना जारी की है, जिसमें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में चीफ साइंटिस्ट और सीनियर साइंटिस्ट की भर्तियां की जानी हैं। भर्ती के जरिए कुल 368 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। ऐसे में जो अभ्यर्थी इच्छुक और योग्य हैं, वे ऑफिशियल वेबसाइट https://www.asrb.org.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि आवेदन करने की अंतिम तारीख 8 सितंबर 2023 तक निर्धारित की गई है। इसके लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास संबंधित विषय में पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए। वहीं इससे जुड़ी अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक अधिसूचना देख लें। बीपीएससी शिक्षक बहाली परीक्षा में नहीं होगा नेगेटिव मार्किंग। अगर आप भी उन अभ्यर्थियों में से हैं जो बीपीएससी के द्वारा लिए जाने वाले शिक्षक बहाली परीक्षा में भाग ले रहे हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है। दरअसल बिहार लोक सेवा आयोग के चेयरमैन अतुल प्रसाद के द्वारा बीते दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए बताया गया कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी और साथ ही सभी परीक्षा अपने तय समय 24, 25 और 26 अगस्त को ही आयोजित किए जाएंगे। इन सब के अलावा उन्होंने बीएड अभ्यर्थियों के प्राइमरी पदों पर बहाली की भी स्थिति स्पष्ट की है और कहा है कि इस परीक्षा में अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच नहीं की जाएगी, लेकिन बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान पात्रता की जांच की जाएगी और इनकी नियुक्ति पर फैसला बाद में राज्य सरकार और NCTE करेगी। उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि इस परीक्षा में किसी भी अभ्यर्थी को वंचित नहीं किया जाएगा। चांद के और करीब पहुंचा चंद्रयान, इसरो ने जारी की तस्वीर और वीडियो। चंद्रयान 3 चंद्रमा के और करीब पहुंच चुका है। इस बात की जानकारी खुद इसरो के द्वारा तस्वीर और वीडियो जारी कर दी गई है। बता दें कि तस्वीर और वीडियो इसरो के द्वारा चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल पर लगे कैमरे के द्वारा ली गई है। मालूम हो कि इस तस्वीर और वीडियो में चंद्रमा की सतह पर गड्ढे दिखाई देते हैं, जिन्हें फैबरी, जोर्दाना, ब्रूनो और हरखेबी जे के रूप में चिन्हित किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसरो के द्वारा तस्वीर और वीडियो शेयर करते हुए ट्वीट कर लिखा गया है कि चंद्रयान 3 मिशन लैंडर मॉड्यूल का स्वास्थ्य सामान्य है। LM ने सफलतापूर्वक डिबूस्टिंग ऑपरेशन किया, जिससे इसकी कक्षा 113 किलोमीटर गुना 157 किलोमीटर तक कम हो गई। दूसरा डिबूस्टिंग ऑपरेशन 20 अगस्त 2023 को लगभग 2 बजे के लिए निर्धारित है। आज हरियाली तीज, जाने इसका महत्व। आज यानी कि 19 अगस्त को हरियाली तीज है। बता दें कि इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए तो वहीं कुंवारी लड़कियां योग्य वर पाने के लिए व्रत रखती हैं। मालूम हो कि यह व्रत भी करवा चौथ की तरह ही निर्जला किया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज के दिन महिलाएं हरी साड़ी, हरी चूड़ी पहनती हैं और 16 श्रृंगार करती हैं। मान्यताओं के अनुसार आज के दिन अगर खीर, घेवर, सूजी, हलवा, शहद और गुड़ की मिठाई का भोग भगवान शिव और माता पार्वती को अर्पित किया जाता है तो कई मुश्किलों का निदान होता है। मालूम हो कि आज के दिन विवाहित महिलाएं सुहागन सास या ननद को बायना देकर आशीर्वाद देती हैं। बता दें कि बायना सिर्फ सुहागिन महिलाओं को देने की परंपरा है। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से संबंधों में सुधार आता है और घर में सुख शांति बनी होती है। पदक लाभ नौकरी पाओ के तहत खेल कोटे से 51 उत्कृष्ट खिलाड़ियों की होगी नियुक्ति। बिहार सरकार के द्वारा अपनी योजना पदक लाओ नौकरी पाओ के तहत खेल दिवस के पूर्व ही खिलाड़ियों को नौकरी देने की शुरुआत कर दी गई है। बता दें कि इस योजना के तहत बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विजेता खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति नियमावली 2023 के पहले चरण की सूची जारी कर दी गई है। बता दें कि इस पहली सूची के तहत कांस्य और रजत पदक विजेता के खिलाड़ियों का चयन किया गया है, जिसकी जानकारी विभाग की वेबसाइट के नोटिस बोर्ड पर जारी कर दी गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पहले चरण के तहत जिन खेलों में नियुक्ति दी जाएगी उनमें एथलेटिक्स, फुटबॉल, कबड्डी, बालक बालिका, नेटबॉल, पिंचक, सिलाट, रग्बी, बालक बालिका, सेपक, टाकरा, ताइक्वांडो, वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग, वुश व पैरा खेल शामिल है। मालूम हो कि सभी खेलों में से कुल 51 खिलाड़ियों का चयन किया गया है, जिनकी नियुक्ति PB1 ग्रेड पे 1800 या 1900 पर की जाएगी।
बिहार के 22,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को मिला लोन नहीं चुकाने पर नोटिस। बिहार के 22,849 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने बिहार सरकार के द्वारा चलाई जा रही बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत दिए जा रहे राशि का लाभ तो उठाया है, लेकिन नौकरी लगने के बाद उस पैसे को वापस नहीं किया है। ऐसे में इन 22,849 विद्यार्थियों के पास बिहार राज्य वित्त निगम के जिला कार्यालयों के द्वारा अपने अपने जिले के विद्यार्थियों को लोन वापस करने का नोटिस भेजा गया है। तो वहीं अभी कुछ स्टूडेंट्स बचे भी हैं जिन्हें नोटिस भेजा जाना बाकी है। इनके अलावा राज्य के विभिन्न जिलों के 4,212 विद्यार्थी वैसे भी हैं जिनके द्वारा ऑनलाइन शपथ पत्र भी नहीं दिया गया है कि उन्हें रोजगार प्राप्त हुआ है या नहीं, जिस वजह से वे लोन चुकाने में समर्थ नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिन विद्यार्थियों के द्वारा शपथ पत्र दे दिया जाता है उन्हें लोन चुकाने के लिए नोटिस नहीं भेजी जाती, लेकिन इसके लिए विद्यार्थियों को हर 6 महीने के अंदर शपथ पत्र देना होगा। पत्रकार हत्याकांड पर सीएम नीतीश और एडीजी का बयान। बीते दिन सुबह बेखौफ अपराधियों के द्वारा अररिया जिले के रानीगंज में एक पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बता दें कि यह पत्रकार दैनिक अखबार में रिपोर्टर के तौर पर काम करता था, जिसका नाम विमल कुमार यादव है। वहीं अब इस घटना पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा मीडिया से बातचीत करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी गई है। उन्होंने कहा कि यह बहुत ही गंभीर मामला है, मुझे यह जानकर बहुत दुख हुआ है। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि किसी भी हालत में पत्रकार के को छोड़ा ना जाए। उन्होंने कहा कि पत्रकार लोकतंत्र का स्तंभ होते हैं, उनकी हत्या से मुझे बहुत दुख हुआ है। यह जानकर आश्चर्य हुआ कि कोई पत्रकार की हत्या कैसे कर सकता है। इस मामले को लेकर पुलिस के द्वारा अपना काम किया जा रहा। वहीं दूसरी तरफ इस मामले को लेकर एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार के द्वारा कहा गया कि पत्रकार विमल यादव को अज्ञात अपराधियों द्वारा घर से बाहर बुलाकर गोली मार दी गई। घटना की सूचना मिलने के बाद रानीगंज थाना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटनास्थल पर एफएसएल और डॉग स्क्वाड को बुलाया गया है। दारों के माध्यम से मिली जानकारी से पता चला है कि 2019 में विमल के भाई की भी हत्या कर दी गई थी। मुकदमा चल रहा था और मृतक विमल की गवाही होनी बाकी थी। परिजन से भी हत्या का कारण बता रहे हैं। अररिया पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे प्रकाश पुंज के बारे में। प्रकाश पुंज पटना शहर में गुरु का बाग के पास बनाया गया अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण नवनिर्मित पार्क है। इस पार्क में 4 द्वार बनाई गई है जो गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के बेटे अजीत सिंह, फतेह सिंह, जुझार सिंह और जोरावर सिंह को संबोधित करते हैं। इन 4 द्वारों के पास हेमकुंड साहिब, पांवटा साहिब, नादेर साहिब, केसगढ़ साहिब और पटना साहिब नामक 5 गोलाकार दीवारें हैं। पार्क के दोनों तरफ एक गोलाकार सभागार और 2 प्रदर्शनी हॉल भी है, जबकि पार्क के एक भाग का उपयोग धार्मिक कार्यों के आयोजन के लिए किया जाएगा। प्रकाश पुंज परिसर में गुरु गोविंद सिंह के जीवन, शिक्षाओं और कार्यों को उजागर करने के लिए एक संग्रहालय भी बनाया गया है। यहां ऑडियो, वीडियो, विजुअल, पेंटिंग आदि के जरिए पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए सिखों के सभी 10 गुरुओं के जीवन से जुड़े प्रसंगों का ग्राफिक चित्रण किया जाएगा। गुरु गोविंद सिंह के द्वारा युद्ध के दौरान उपयोग में लाए गए अस्त्र शस्त्र, पोशाक, कलम आदि को भी प्रदर्शनी में दिखाया गया है, ताकि दूर दराज से आने वाले पर्यटकों एवं श्रद्धालुओं को उनके जीवन से संबंधित जानकारियां मिल सके। उनके क्रियाकलाप एवं साहित्य से जुड़ी वस्तुओं को भी दिखाया गया है। यह पटना में देखने और घूमने के लिए बेहतरीन जगहों में से एक है। बिहार इनोवेशन चैलेंज 2023 में भाग लेकर जीते आकर्षक पुरस्कार। अगर आप स्टार्टअप बिहार उद्योग विभाग बिहार सरकार द्वारा संचालित बिहार इनोवेशन चैलेंज 2023 में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतना चाहते हैं तो बता दें कि इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 30 अगस्त 2023 तक निर्धारित की गई है। ऐसे में इच्छुक उम्मीदवार आवेदन करने के लिए https://startup.bihar.gov.in/innovation-challenge-apply पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार इनोवेशन चैलेंज 2023 का उद्देश्य सभी स्तरों पर नवाचार को बढ़ावा देना और सफल उद्यमों के माध्यम से इन नवाचारों का व्यवसायीकरण करना है। इसमें भाग लेने वाले उम्मीदवारों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। श्रेणी ए स्कूली छात्र, श्रेणी बी कॉलेज छात्र और श्रेणी सी स्टार्टअप रिसर्च स्कॉलर्स हैं। ऐसे में श्रेणी ए के प्रथम विजेता को लैपटॉप, द्वितीय विजेता को टैबलेट्स और तृतीय विजेता को स्मार्ट वॉच पुरस्कार स्वरूप दिए जाएंगे। वहीं श्रेणी बी के पहले विजेता को 1,00,000 रुपए, दूसरे विजेता को 75,000 रुपए और तीसरे विजेता को 50,000 रुपए दिए जाएंगे और श्रेणी सी के पहले विजेता को 3,00,000 रुपए, दूसरे विजेता को 2,00,000 रुपए और तीसरे विजेता को 1,00,000 रुपए दिए जाएंगे। इससे जुड़ी अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 8610225820 या 9871849166 पर संपर्क कर सकते हैं। बिहार से बाहर राखी भेजने के लिए 26 तक करे बुक।
राखी का त्योहार आने वाला है, ऐसे में बाजारों में राखियों की दुकान सज गई है। वहीं बहनों के द्वारा अपने भाइयों को राखी भेजने के लिए बाजार से लेकर पोस्ट ऑफिस तक होड़ लगी हुई है। बता दें कि अगर आप भी बिहार से बाहर राखी भेजना चाहते हैं तो 26 अगस्त तक डाक विभाग से राखी को पोस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद आपकी राखी पोस्टल डिपार्टमेंट लेने से इनकार कर देगा। और अगर राखी ले भी दिया जाता है तो उसकी कोई गारंटी नहीं होगी कि राखी सही समय पर अपने स्थान पर पहुंच जाए। वहीं अगर आप बिहार के ही किसी अन्य जिले में राखी को भेजना चाहते हैं तो इसके लिए आप 27 अगस्त तक बुक कर सकते हैं, लेकिन इस दौरान एक बात का जरूर ध्यान रखें कि राखी वाले लिफाफे पर राखी जरूर लिखें। वहीं अगर आपकी राखी तय समय पर सही स्थान पर नहीं पहुंचती है तो आप उसकी शिकायत उपभोक्ता फॉर्म में कर सकते हैं। सुशांत सिंह राजपूत के जीवन पर नहीं बननी चाहिए कोई फिल्म। बिहार के लाल दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के पिता के द्वारा अपने बेटे के जीवन पर आधारित एक फिल्म की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग पर रोक लगाने से इनकार करने संबंधी आदेश के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया गया है। बता दें कि न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा और न्यायमूर्ति धर्मेश शर्मा की पीठ के द्वारा एकल न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ कृष्ण किशोर सिंह की अपील पर फिल्म निर्माताओं सहित कई लोगों को नोटिस भेजा गया है। मालूम हो कि के सिंह के द्वारा अपने दिवंगत बेटे सुशांत सिंह राजपूत के जीवन पर फिल्म बनाकर उन पर अनुचित व्यावसायिक लाभ लेने का आरोप लगाया गया है। एकल न्यायाधीश ने पिछले महीने सुशांत सिंह राजपूत के पिता की अर्जी खारिज कर दी थी, जिन्होंने दावा किया था कि यह फिल्म न्याय द जस्टिस एक ऑनलाइन मंच पर प्रसारित की जा रही है और इसमें मान हानि कारक बयान समाचार आलेख है और यह सुशांत सिंह राजपूत के व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन करती है। 9वीं से 12वीं की किताबों से हटाए जा सकते हैं अप्रासंगिक अध्याय। राज्य शिक्षा एवं शोध प्रशिक्षण संस्थान यानी कि SCERT के द्वारा अब 9वीं से 12वीं तक के पाठ्यक्रम की सभी किताबों की समीक्षा किया जाएगा और ऐसे में अगर जरूरत पड़ती है तो अप्रासंगिक को हो चुके अध्याय हटाए भी जा सकते हैं। बता दें कि समीक्षा के लिए विषयवार विशेषज्ञों की टीम बनाई जा रही है, जहां एक तरफ BTBC की 9वीं और 10वीं की किताबों की समीक्षा कर उनकी अशुद्धियों को देखा जाएगा, वहीं दूसरी ओर NCERT की 11वीं और 12वीं की किताबों की भी गहन समीक्षा की जाएगी। इस दौरान जो भी अशुद्धियां पकड़ में आएंगी में सुधार किया जाएगा। मालूम हो कि अब तक SCERT के द्वारा 1 से 8वीं तक के किताबों की समीक्षा की गई है, जिनमें 4000 से अधिक गलतियां पाई गई हैं। अब 9वीं से 12वीं तक के किताबों की समीक्षा की जाएगी। सिंगर हंसराज रघुवंशी आ रहे हैं राजधानी। अगर आप भी सिंगर हंसराज रघुवंशी के फैन हैं और आपको उनके द्वारा गाए हुए गाने पसंद आते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। बता दें कि सावन महीने को देखते हुए बिहार की राजधानी पटना के बापू सभागार में 19 अगस्त को उनका एक कार्यक्रम रखा गया है, जिसकी शुरुआत शाम 6 बजे से होने वाली है। बता दें कि पटना में सिंगर हंसराज रघुवंशी का यह पहला भव्य कार्यक्रम होगा। इस अवसर पर कार्यक्रम में स्टेज पर भगवान शिव का विशेष झांकी भी सजाई जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 19 अगस्त को आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम का उद्घाटन आचार्य किशोर कुणाल के द्वारा किया जाएगा, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में BJP बिहार प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी रहेंगे और इसके साथ ही मंत्री अशोक चौधरी, सांसद रामकृपाल यादव, विधायक नितिन नवीन, DG आलोक राज, मेयर सीता साहू सहित समेत कई माननीय लोग मौजूद होंगे। प्रदेश के उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य में बारिश के आसार। बिहार में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। बदलते हालात के बीच में अब लोगों को तेज गर्मी और उमस से काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार प्रदेश में मॉनसून के एक्टिव होने की तो बात कही जा रही है, लेकिन प्रदेश में बारिश होगी या नहीं इसको लेकर कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि पिछले लंबे समय से जिस तरह से प्रदेश में बारिश की बात कही जा रही है उस हिसाब से प्रदेश में बारिश दर्ज नहीं की गई है। मौसम विभाग के द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार बिहार के कुछ जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। 19 अगस्त को लेकर जारी अपडेट में यह बताया गया है कि प्रदेश के उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भागों के जिलों के एक या दो स्थानों में वज्रपात के साथ मेघ गर्जन होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं 20 अगस्त को लेकर जारी अपडेट में यह बताया गया है कि यह किसी तरह की कोई चेतावनी नहीं है। हालांकि 22 अगस्त को प्रदेश के किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार और भागलपुर जिलों में एक या दो स्थानों में भारी बारिश की संभावना है। छपरा में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई। बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है, इसे तो हम सभी वाकिफ है, लेकिन इसके बावजूद भी आए दिन हमें शराब तस्करी से जुड़े मामले सुनने को मिलते रहते हैं। हालांकि इन पर नकेल कसने के लिए उत्पाद विभाग की ओर से कई कोशिश की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी इन मामलों में कोई कमी देखने को नहीं मिल रही। बता दें कि ताजा मामला छपरा का है, जहां पुलिस के द्वारा कार्रवाई करते हुए ग्रामीणों के साथ मिलकर करीब एक दर्जन घरों में छापेमारी अभियान चलाई गई और इस दौरान भारी मात्रा में देशी शराब बरामद किया गया है। मालूम हो कि इस दौरान शराब माफियाओं में हड़कंप मच गया।
रजनी प्रिया पेशी के बाद गई बेउर जेल। बीते दिन बिहार का काफी चर्चित घोटाला सृजन घोटाला की मुख्य आरोपी रजनी प्रिया को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे बेउर जेल भेज दिया गया है। बता दें इस मामले पर रजनी प्रिया की अगली सुनवाई 21 अगस्त को की जाएगी और तब तक वो बेउर जेल में ही रहेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रजनी प्रिया को बड़े ही मुश्किल से 6 साल बाद यूपी के गाजियाबाद स्थित साहिबाबाद से गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद सीबीआई के द्वारा रजनी प्रिया को 14 अगस्त को सिविल कोर्ट में पेश किया गया, जहां से सीबीआई के द्वारा उन्हें 4 दिन के रिमांड पर ले जाया गया। वहीं बीते दिन रिमांड खत्म होने के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया और फिर बेउर जेल भेज दिया गया। बिहार में जातीय गणना पर सुनवाई अधूरी। बीते दिन सुप्रीम कोर्ट में बिहार में जातीय गणना पर हो रही सुनवाई अधूरी रह गई। वहीं अब इस मामले पर अगली सुनवाई 21 अगस्त 2023 को की जाएगी। वहीं इससे पहले इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 7 अगस्त को की गई थी, जिसमें कोर्ट के द्वारा कहा गया था कि जातीय गणना का काम 80% पूरा हो चुका है। ऐसे में अगर 90% भी काम पूरा हो जाता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए कोर्ट के द्वारा प्रथम दृष्टया पटना हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से मना कर दिया गया था। मालूम हो कि इस मामले पर 14 अगस्त को भी सुनवाई होने वाली थी, लेकिन उस दिन की सुनवाई को टाल दिया गया था और कहा गया था कि अगली सुनवाई के दौरान सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की जाएगी। इसलिए बीते दिन सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की गई, लेकिन सुनवाई अधूरी रह गई। सोलर पैनल माइक्रो कूल चैम्बर लगाने पर पाएं 50% अनुदान। अगर आप इस सोलर पैनल माइक्रोकूल चैम्बर लगवाने के इच्छुक हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि बिहार सरकार के कृषि विभाग के द्वारा मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना के तहत सोलर पैनल माइक्रोकूल चैम्बर लगाने पर सरकार के द्वारा 50% अनुदान राशि प्रदान की जाती है। बता दें कि इस योजना के तहत इकाई लागत 13 लाख का 50% यानी कि 6.50 लाख रुपए प्रति इकाई अनुदान राशि दी जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार सरकार की इस मुख्य योजना का उद्देश्य फल सब्जी एवं अन्य बागवानी उत्पादों को कूल चैम्बर में लंबे समय तक गुणवत्ता के साथ सुरक्षित रखना है। इस योजना के लाभ पाने के इच्छुक लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बता दें आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को https://horticulture.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन करना होगा। के पाठक ने मुजफ्फरपुर के कई स्कूलों का किया निरीक्षण। बीते दिन बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के द्वारा मुजफ्फरपुर के कई स्कूलों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने स्कूलों के शिक्षकों और प्राचार्यों से पूछताछ की और स्कूलों के बारे में जानकारी हासिल की। इसके साथ उन्होंने स्कूल में साफ सफाई करने का भी निर्देश दिया और इसके अलावा उन्होंने क्षतिग्रस्त भवन को ठीक करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने बीते दिन निरीक्षण के दौरान कई शिक्षकों और कर्मियों को फटकार भी लगाया। मालूम हो कि जैसे ही शिक्षकों और कर्मियों को के पाठक के जिले में पहुंचने की जानकारी मिली तो उनके बीच हड़कंप का माहौल बन गया। इस दौरान के पाठक के साथ मुजफ्फरपुर जिला अधिकारी प्रणब कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी सहित कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे। सिम बेचने वालों के लिए नया नियम होगा लागू। बीते दिन टेलीकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा खुद जानकारी साझा करते हुए बताया गया कि अब सिम कार्ड बेचने वालों के लिए नया नियम लागू किया गया है। दरअसल वैसे लोग जो बिना वेरिफिकेशन के सिम बेचते हैं उनके ऊपर 10 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब देश में मोबाइल फोन के सिम विक्रेताओं का पुलिस सत्यापन अनिवार्य होगा, जिनमें उनकी बायोमेट्रिक जानकारी भी शामिल होगी। मालूम हो कि अब बड़ी संख्या में बिजनेस कलेक्शन लेने वाले कारोबारियों को सिम देते समय संबंधित कर्मचारी का KYC कराना अनिवार्य होगा। वहीं अगर किसी डीलर के द्वारा सरकार के दिए गए आदेश का पालन किया जाता है तो उसके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। मंत्री अश्विनी वैष्णव के कहे अनुसार इन सुधारों का मकसद केवल उपयोगकर्ता को साइबर धोखाधड़ी से बचाना है। शिक्षा विभाग की सभी फाइलों की जांच रविवार को 20 अगस्त को शिक्षा विभाग की सभी फाइलों और पत्रों की जांच और उनका भौतिक सत्यापन किया जाने वाला है। इसको लेकर विभाग के सभी पदाधिकारियों को रविवार यानी कि 20 अगस्त को भी कार्यालय आने का आदेश जारी किया गया है और कहा गया है कि उस दिन भी वे अपनी अलमीरा खोलकर सभी फाइलों और पत्रों का भौतिक सत्यापन कर लंबित और अनुपालन की स्थिति की समीक्षा करें। इसके साथ यह भी कहा गया है कि कार्यालय के स्थानांतरण के दौरान जिन भी फाइलों को गठरी बांधकर रखा गया है उनकी भी जाँच की जाएगी और देखा जाएगा कि वो किस स्थिति में है। वहीं अगर कोई लंबित मामला हो तो उनको जल्द से जल्द निष्पादन किया जाएगा। बता दें कि विभाग के द्वारा पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि फाइलों का सत्यापन कर एक रिपोर्ट तैयार की जाए कि किस मामले पर क्या निर्णय लिया जा सकता है और किसकी क्या स्थिति है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कोच रवि शास्त्री ने KL राहुल को लेकर दिया बड़ा बयान। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कोच रवि शास्त्री के द्वारा घुटने की चोट से उबर चुके स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज KL राहुल को लेकर एक बड़ा बयान दिया गया है। उन्होंने कहा कि उनका कहना है कि 4 महीने तक प्रतिस्पर्धी क्रिकेट से दूर रहने वाले खिलाड़ी को सीधे एक चुनौतीपूर्ण टूर्नामेंट के मौके पर मैदान में उतारना उससे बहुत ज्यादा उम्मीद करना है। उन्होंने कहा कि राहुल की विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी और वे कुछ दिन पहले से घुटने की चोट से उबरे हैं। विकेटकीपिंग का मतलब है कि आपको हर गेंद पर बैठना होगा, चुस्त रहना होगा,
चोट से उबर चुके खिलाड़ियों को सीधे भारतीय टीम में मौका देने में जल्दबाजी की जानी चाहिए। जसप्रीत बुमराह के मामले में ये गलती एक बार नहीं, दो बार नहीं बल्कि तीन बार हुई। इसका परिणाम भी हमें भुगतना पड़ा। बुमराह 14 महीने तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से चूक गए। उन्होंने कहा कि तिलक वर्मा का अभिनय प्रभावशाली है। अगर मुझे बाएं हाथ के बल्लेबाजों पर ध्यान देना होता तो मैं तिलक को जरूर मौका देता। पिछले 3 महीनों में चाहे IPL हो या भारतीय टीम के मैच, तिलक ने खुद को साबित किया है। भारत के इतिहास में आज की तारीख है कई कारणों से दर्ज। मुगल बादशाह अकबर ने 1600 में अहमदनगर पर विजय हासिल की। छत्रपति शिवाजी महाराज 1666 को आगरा से फलों की टोकरी में छिपकर औरंगजेब की कैद से फरार। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा पहला 1 रुपए का सिक्का 1757 में ढाला गया। गुरुवार रविंद्रनाथ टैगोर ने 1939 को कलकत्ता में सुभाष चंद्र बोस महाजति सदन का शिलान्यास किया। भारत से जापान की अंतिम सैन्य टुकड़ी को 1944 में खदेड़ा गया। भुवनेश्वर 1949 में उड़ीसा की राजधानी बनी। भारत की परमाणु नीति मसौदे पर नारा G8 ने 1999 में सभी तरह की मदद पर रोक लगाने की घोषणा की। पैमान की सहायक कार्यकारी निदेशक मोसारत कदीर व SMH के अध्यक्ष साजन जिंदल ने 2008 में भारत पाक व्यापार संबंधी रिपोर्ट जारी की। नौसेना के कमांडर दिलीप डोंडी 2009 में स्वदेश निर्मित नौसेना नौका महादेई के द्वारा संपूर्ण विश्व की यात्रा के अभियान पर रवाना हुए। भारत के क्रांतिकारी नेता एस सत्यमूर्ति का जन्म 1887 को हुआ था। भारत के प्रसिद्ध साहित्यकार, कवि, लेखक, व्यंग्यकार और पत्रकार हरिशंकर शर्मा का जन्म 1891 को हुआ था। निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक, चिंतक तथा शोधकर्ता हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 को हुआ था। पद्म भूषण से सम्मानित हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक अब्दुल राशिद खान का जन्म 1908 में हुआ। भारत के प्रसिद्ध कवि, एक कथाकार और एकांकिकार RC प्रसाद सिंह का जन्म 1911 को हुआ था। भारत के 9वें राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा का जन्म 1918 को हुआ था। आज के दिन को विश्व फोटोग्राफी दिवस के रूप में मनाया जाता है। व्हाट्सएप में फोटो शेयरिंग हुआ और बेहतर। ऐप पर फोटो शेयरिंग को और बेहतर बनाने के लिए व्हाट्सएप ने एक नया फीचर जोड़ा है, जिसकी मदद से आप HD फोटो शेयर कर पाएंगे। इस बात की जानकारी मेटा के CEO मार्क जुकरबर्ग ने इंस्टाग्राम ब्रॉडकास्ट चैनल में दी है। अभी तक ऐप में कंप्रेस हुई फोटो शेयर होती थी, लेकिन अब आप इसकी क्वालिटी को बदल सकते हैं। ये फीचर फेज मैनर में रिलीज हो रहा है, जो आपको जल्द मिलेगा। इस फीचर का इस्तेमाल करने के लिए आपको फोटो शेयर करने के दौरान ऊपर दिख रहे HD बटन पर क्लिक करना होगा। वैसे डिफॉल्ट रूप से फोटो कंप्रेस होकर ही सेंड होगी, लेकिन HD पर क्लिक करने के बाद ये और बेहतर हो जाएगी। जब आप किसी को HD तस्वीर शेयर करेंगे तो इसकी जानकारी सामने वाले व्यक्ति को तस्वीर के माध्यम से ही मिलेगी। तस्वीर के नीचे एक HD लोगो बनाएगा। कंपनी ने कहा कि जल्द लोगों को HD वीडियो का भी ऑप्शन मिलेगा। वर्ल्ड कप में आज हम बात करेंगे फ्री में 15,000 रुपए दिए जाने के बारे में। सोशल मीडिया पर कई खबरें वायरल होती है, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे फ्री में 15,000 रुपए दिए जाने के बारे में। दरअसल PIB ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि एजुकेशनल दोस्त नामक यूट्यूब चैनल के एक वीडियो में दावा किया जा रहा है कि सभी को फ्री में 15,000 रुपए दिए जा रहे हैं। PIB ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि दावा फर्जी है। भारत सरकार द्वारा ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उससे जुड़े जवाब बताएंगे, जो कि BPSC, बिहार पुलिस, दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया, कृपया करके यह हमें कमेंट करके जरूर दें। हमारा पहला सवाल है, हाल ही में PM ने पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देने के लिए किस योजना को शुरू करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए कौशल विकास योजना, ऑप्शन बी विश्वकर्मा योजना, ऑप्शन सी मनरेगा योजना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी विश्वकर्मा योजना। अगला सवाल, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य भर में कितने पौधे लगाने का अभियान शुरू किया है? ऑप्शन ए 4 करोड़, ऑप्शन बी 5 करोड़, ऑप्शन सी 6 करोड़, ऑप्शन डी 7 करोड़। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 5 करोड़। अगला सवाल, हाल ही में किस राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के 3 PSU के साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। अगला सवाल, बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी भागलपुर, ऑप्शन डी नालंदा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पटना। अगला सवाल,
बिहार का सोक किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन ए गंडक, ऑप्शन बी दामोदर, ऑप्शन सी कोसी, ऑप्शन डी गोमती। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कोसी। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है राजीव कुमार, मोहम्मद सकीर हुसैन, अतीक खान, नुन्नू गोलू कुमार, प्रहलाद कुमार, ए एस दिनेश, राजकिशोर महतो, उमेश ऋषिदेव, अनवर करीम खान, धनुप्रिया, स्नेहा पंचम वर्मा, उज्ज्वल प्रयाग सिंह, नौशद अंसारी, हर्षराज, लक्ष्मण कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार आपके क्षेत्र में किस स्थान को पर्यटन स्थल में विकसित करने की जरूरत है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे तो पेज को फॉलो करना न भूले। धन्यवाद। क्षेत्र गलत लिख गया सर, सुधार दिए इसको।